general knowledge, GK. So, are you excited, children? Today I am going to take you to the animal world. हम आज एनिमल सफारी पर जाएंगे, जंगल सफारी पर. ओके, आपको एनिमल से मिलना है, आपको देखना है एलिफेंट, कैंगरू, मंकी एंड ऑल. ओके, चलो मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट. ये है एक एनिमल वर्ल्ड. एनिमल वर्ल्ड में क्या क्या होते हैं? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं. कौन कौन, कोई एनिमल्स कैसे होते हैं? बहुत बिग होते हैं, ह्यूज होते हैं साइज में. कोई होते हैं छोटे से होते हैं, स्मॉल होते हैं. ह्यूज एनिमल्स में क्या क्या होते हैं? एलिफेंट होता है, जिराफ होता है, और क्या होता है? स्मॉल एनिमल्स में कौन से एनिमल्स होते हैं? रैट होता है, कैट होती है एंड मैनी अदर्स. ओके, और एनिमल वर्ल्ड में बर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, इंसेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं और रेप्टाइल्स भी इंक्लूड होते हैं. बर्ड्स में क्या क्या होती है? पैरट्स, पिजन और स्पैरो, ईगल, बहुत सारी बर्ड्स होती है, आपको तो पता होगा. और देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. ओके, सो आज हम इसमें से कुछ कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? फर्स्ट, मंकी. सबको पता है ना ये कौन सा एनिमल है? मंकी. क्या कर रहा है ये? मंकीज आर वेरी नॉटी. मंकीज कैसे होते हैं? बहुत नॉटी होते हैं, वो बहुत मस्ती करते हैं. हर एक को यहाँ वहाँ घूमकर अगर वो शहर में आ जाते हैं, अगर सिटीज में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबको तंग करते हैं, मस्ती करते हैं, किसी का खाना लेकर भाग जाते हैं. और दे लव्स टू ईट फ्रूट्स. उनको फ्रूट्स खाना बहुत पसंद होता है. मंकीज को सबसे ज़्यादा पसंद होता है बनाना. बोलो, बहुत पसंद करते हैं बनाना खाना. ओके, सो आपको मंकी की स्पेलिंग लर्न करनी है. क्या करना है? मंकी की स्पेलिंग लर्न करनी है. एम ओ एन ए ए ई वाई, मंकी. ये मंकी की स्पेलिंग है. यू हैव टू लर्न इसकी स्पेलिंग. ओके, नेक्स्ट एनिमल. नेक्स्ट इज पैराकेट. पैराकेट एक बर्ड है जो पैरट से छोटी होती है. साइज में पैस कैसी होती है? पैरट से थोड़ी सी छोटी होती है. और ये बहुत सारे कलर्स में होती है, ग्रीन, वाइट, रेड एंड ऑरेंज कलर में भी होती है. और इसे मोस्टली हम जो ह्यूमंस बींग होते हैं वो उनको एक केज में बंद करके भी वो पैट एनिमल, पैट बर्ड्स की तरह उनको अपने घर में रखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. आई डोंट थिंक सो कि पंछियों को कैद में रखना चाहिए. आपको लगता है ऐसे? आई होप सो आपको भी ऐसे नहीं लगता होगा, क्योंकि पंछी बनते हैं आकाश में उड़ने के लिए. सो उन्हें हमेशा आज़ाद होना चाहिए. हमें अगर कोई पिंजरे में बंद करके रखता है तो हमें अच्छा लगता है? नहीं. सो उनको भी नहीं अच्छा लगता है, तो उन्हें हमेशा आकाश में उड़ने की आज़ादी देनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी द स्पेलिंग ऑफ पैराकेट. पी ए आर ए के ई ई टी, पैराकेट. ओके, नेक्स्ट आउल. हियर इज अनदर वन मोर बर्ड. हियर व्हाट इज दिस? होप यू आप समझ गए होंगे ये कौन सा बर्ड है. आउल है. आउल क्या करता है? आउल हमेशा नाइट में दिखता है. डेज में आपको आउल नजर नहीं आएंगे, आपको हमेशा आउल नाइट में वो बाहर निकलता है अपने घर से और वो आकाश में उड़ता है और शिकार करता है और अपना फूड खाता है. ओके, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आउल? ओ डब्ल्यू एल. ओ डब्ल्यू एल, आउल. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस? यस, लायन. लायन है ये. क्या है? लायन. लायन क्या करता है? लायन भी शिकार करता है और वो नी
Here is a giraffe. ये क्या है? Giraffe है. Giraffe कहाँ होते हैं? Giraffe mostly African savanna में पाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा giraffe होते हैं और वो अपनी family के साथ रहते हैं. यहाँ पर एक बेबी जिराफ आपको दिख रहा है ना, जैसे आप छोटे बेबीज हो वैसे ये जिराफ का बेबी है. ओके, वो जिराफ की जो नेक होती है ना, ये बहुत ऊंची होती है, एकदम बड़ी होती है, ताकि वो बड़ी बड़ी ट्रीज पर से लीफ खा सके. वो बड़ी बड़ी ट्रीज पे से फिर अपना फूड लेता है और वो खाता है. ओके, और जिराफ की जो पैर होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, वो भी बहुत, उनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है. जिराफ के लेग्स और नेक बहुत बड़ी होती है. ओके, और जिराफ हमेशा वेजिटेरियन होता है, वो लीव्स खाता है. ओके, सो व्हाट इज द जिराफ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जिराफ? जी आई आर ए एफ एफ ई, ये जिराफ की स्पेलिंग है. आपको ये स्पेलिंग को लर्न करना है. ओके, नेक्स्ट कंगारू. ये क्या है? कंगारू. और ये क्या करते हैं? क्या कर रहा है? ये जंप कर रहा है. कंगारूस हमेशा जंप करके ऐसे ऐसे फुदकते हुए चलते हैं, जंप करते हैं वो. देखो यहाँ पे कैसे जंप कर रहा है वो, और उसके अपने पैरों पर जंप करता है, और उसके पैर बॉस उसके जैसे स्प्रिंग टाइप होते हैं. वो जैसे ही जंप करता है बहुत दूर तक उछलता है, और ये उछल उछल कर ही चलते हैं. और कैंगारूज के पेट में यहाँ पर एक बेबी बैग होता है, जहाँ पर वो अपना बेबी को कैरी करते हैं. ओके, आप लोगों ने देखा होगा दूसरे पिक्चर्स में. सो और जो कैंगारूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वो और कोई भी कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. ओके, तो हमें कैंगारूज देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ आपको अब कैंगारूज की स्पेलिंग लर्न करनी है. सो साइड विद मी, के ए एन जी ए आर ओ ओ, कैंगारू. वेरी गुड. लेट्स सी नेक्स्ट एनिमल. जानते हो इसे? कौन सा एनिमल है ये? यस, एलिफेंट है. एलिफेंट कैसा होता है? एक बिग एनिमल होता है, एक ह्यूज एनिमल है. और वो कैसा होता है? बहुत मोटा होता है. और वो कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है. और ये बहुत ही समटाइम्स ये बहुत ही साइलेंट एनिमल होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है ना तो ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं और सबको मारने लगते हैं. ओके, सो एनिमल्स को कभी भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए, उनको हम तंग नहीं करना चाहिए. अगर हम उनको तंग करेंगे तो वो हमको मारेंगे. ओके, वैसे तो किसी भी एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए, हमको एनिमल्स से हमेशा फ्रेंडशिप करके रखनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट. ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. ये एलिफेंट की स्पेलिंग है. और एलिफेंट एक वाइल्ड एनिमल है, और ये समटाइम्स डोमेस्टिक एनिमल भी होता है. कोई कोई जगह पर एनिमल्स को, ये एलिफेंट को हम अपने साथ, अपने घर में तो नहीं लेकिन अपने साथ रखते हैं. ओके, इंडिया में एलिफेंट कहाँ सबसे ज़्यादा होते पता है आपको? केरला एंड तमिलनाडु में. वहाँ पर एलिफेंट रोड्स पे दिखना आम बात होती है. ओके, नाउ लास्ट वन इज स्नेक. यस, स्नेक एक रेप्टाइल होता है. रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं, जमीन पर क्रॉलिंग करते हैं. वो उनके समटाइम्स उनके छोटे छोटे पैर होते हैं और किसी किसी के पैर नहीं होते हैं. जो स्नेक होता है इसके पैर नहीं होते हैं. वो जमीन पे क्या करता है? क्रॉलिंग करता है. वो रेंगते हुए चलता है. और स्नेक्स पॉइजनस भी होते हैं. कुछ स्नेक बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. पॉइजनस मीन्स उनमें जहर होता है, टॉक्सिक होते हैं वो. अगर वो हमको काट लेते हैं सो हमें मोस्टली हम मर जाते हैं, वी आर डाइड. लेकिन अगर इसका सही टाइम पर हम अगर ट्रीटमेंट करें तो कभी बच भी जाते हैं. हमें कभी भी स्नेक को नहीं छेड़ना है. अगर हमें वो नज़र आता है कहीं
छूने की या उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इससे हमें रिस्क होता है, कभी हमको अपनी जान का खतरा भी हो सकता है. ओके सो अभी हम चलो रेस्ट डिसाइड विद मी. द स्पेलिंग ऑफ स्नेक एस एन ए के ई स्नेक. ओके होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल एनिमल. आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी एनिमल सफारी. ओके अब हम मैंने आपको इसकी वर्कशीट भी बतानी है. ठीक है शैल वी स्टार्ट वर्कशीट. ओके अब हम वर्कशीट ट्राई करेंगे. लुक एट द पिक्चर राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल चूज फ्रॉम द क्लू बॉक्स. यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है और एनिमल वर्ड का, और यहाँ पर उसके एनिमल्स के यहाँ पर ऐसे नंबर्स दिए हैं हर एक एनिमल को. आपको उसकी स्पेलिंग आपको पिक्चर देखना है और एनिमल की स्पेलिंग आपको राइट डाउन करनी है, और इसके लिए आपको यहाँ पर क्लू बॉक्स भी दिया हुआ है. ओके शैल वी स्टार्ट. ये है क्लू बॉक्स. सो फर्स्ट स्पेलिंग नंबर वन पे कौन है? लुक एट हियर. नंबर वन पर कौन सा एनिमल है? पैराकेट. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पैराकेट? हियर इट इज. सो यू हैव टू राइट हियर इन फिल इन द ब्लैंक्स. पी ए आर ए के ई ई टी पैराकेट. नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे कौन सा एनिमल है? लुक एट हियर. सर्च करो आप सेकेंड नंबर कहाँ है, क्या है सेकेंड नंबर, कौन सा एनिमल है ये? एलिफेंट. सो यू हैव टू राइट हियर एलिफेंट. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट? एलिफेंट. ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. नेक्स्ट नंबर थ्री. नंबर थ्री पे कौन सा एनिमल है? कौन है? आउ. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नंबर थ्री. आपको यहाँ पर नंबर थ्री पे कौन सा एनिमल नजर आ रहा है? जिराफ. सो आपको यहाँ पर जिराफ की स्पेलिंग राइट डाउन करनी है. जिराफ जी आई आर ए एफ एफ ई जिराफ. सो किड्स मैंने आपको यहाँ पर तीन एग्जाम्पल्स सॉल्व करके बताए हैं, और जो बाकी रह गए हैं वो आपको खुद से यू हैव टू डू विद योर ओन. आपको एनिमल्स के नंबर सर्च करने हैं और क्लू बॉक्स में से इसकी स्पेलिंग सर्च करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. आपको ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में करना है. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड. और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको एनिमल सफारी में आज मज़ा आया होगा. ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. माई नेम इज अमरीन कागजी फ्रॉम रेडियन इंटरनेशनल स्कूल.